मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जाग रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि का मासिक राशि फल अप्रैल 2023 को लेकर के। क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे कर्क राशि के जातकों को इस अप्रैल के माह में? नवग्रहों की स्थिति कैसे आपकी ग्रह गोचर स्थिति के अंतर्गत बनी हुई है? क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे? कहां आपको हानि हो सकती है, जहां पर आपको सतर्क सावधान रहना है? कौन सी तारीखें अप्रैल माह की आपके लिए श्रेष्ठ तारीखें साबित होने वाली हैं और कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नौकरी व्यवसाय कामकाज में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से क्या सौगात अप्रैल का माह आपके लिए ला रहा है? इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। राशि फल शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन सबको बता दें यह राशि फल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली व सूर्य कुंडली से न देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर, नवग्रहों की कैसी स्थिति अप्रैल के माह में आपके लिए बन रही है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह की आपके लिए बनी हुई है। राहु शुक्र और बुध तीन ग्रहों की युति कर्म भाव दसवें भाव के अंतर्गत बनी हुई है। मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तीन ग्रह। देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव भाग्य भाव में मीन राशि के अंतर्गत स्थित है, जबकि शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत आठवें भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला राशि के अंतर्गत चौथे भाव में स्थित है और मंगलदेव मिथुन राशि के अंतर्गत बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं। एक स्थिति तो कर्क राशि के जातकों की कुछ इस तरह की है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में चार ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल के माह में और कुछ बड़े बदलाव भी आपके लिए होने जा रहे हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन है? सबसे पहला परिवर्तन होगा शुक्रदेव का। 6 अप्रैल को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव के अंतर्गत आपके लिए स्थित हो जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, दसवें भाव में स्थित होंगे, राहु के साथ ग्रहण योग और बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि के अंतर्गत ही स्थित होंगे लेकिन वक्र गति से संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़कर के कर्म भाव मेष राशि के अंतर्गत स्थित हो जाएंगे। और अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं 6, 8, 12 भावों में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का कार्य भी करते हैं और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपको कलह कलेश झगड़े का वातावरण जरूर देखने को मिलेगा। तो कौन सी तारीखें अप्रैल के माह में कर्क राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थितियां लेकर के आएंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह की 2, 3, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 27 और 28 अप्रैल शुभ तारीखें रहेंगी और 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24 और 25 अप्रैल को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो ढैया का अशुभ प्रभाव रहेगा, शनिदेव आठवें भाव के अंतर्गत स्थित है, मंगलदेव बारहवें भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में शारीरिक रूप से कर्क राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं चिंता व तनाव अत्यधिक हो सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, क्रोध अधिक आपका बढ़ सकता है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, अशांत रह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति के लिए सबसे पहले ध्यान मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना होगा। राशि स्वामी चंद्रदेव की आराधना जितना करें उतना लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना न भूलेगा और हर शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के मंदिर में जाकर के
सरसों के तेल का दिया जलाना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगलदेव आपके लिए बनते हैं जो कि 12वें भाव के अंतर्गत स्थित है। कर्म भाव 10वें भाव में सूर्यदेव स्थित है, शुक्रदेव स्थित है, बुधदेव स्थित है, यहां पर राहु स्थित है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, नीच दृष्टि भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जातकों के लिए काफी लंबे समय के बाद अप्रैल का माह कुछ रिलीफ लेकर के जरूर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं स्थितियां आपके पक्ष में देखने को मिलेंगी, कुछ हद तक आप सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, जो जातक कला से संगीत के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगे। व्यवसाय वर्ग से जो जातक जुड़े हैं उनको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और 14 तारीख के पश्चात सूर्यदेव का संचरण कर्म भाव में होगा, 22 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति का संचरण कर्म भाव में होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, एक कॉम्पिटिशन एग्जाम इत्यादि की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप एकाग्र होकर के अपने क्षेत्र पर फोकस करके कार्य करें तो निश्चित ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे जातक जो विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको अचानक से लाभ देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है, अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं। 11वें भाव के जो रेगुलर इनकम का हाउस है वहां के स्वामी आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव कर्म भाव में स्थित है और प्रथम सप्ताह ही राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि में जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से विशेष लाभप्रद स्थितियां बनेंगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप कर्क राशि के जातक हैं, ऋण का लेन देन करते हैं तो ऋण के लेन देन को करने से आपको जरूर बचना चाहिए, निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही। अप्रैल का माह आपके लिए खुशियां लेकर के आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे ऑफिशियल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे।